नमस्कार साथियों, मैं योनेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो भाई, चौथा फेज स्टार्ट हो चुका और आज 20 सितंबर को एक प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया था कि 30 वाट और 50 वाट के दो बल्ब को जोड़ने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। अब इसमें दो कंडीशन होती है, या तो बल्ब सीरीज में जुड़े होते हैं और या तो बल्ब पैरेलल में जुड़े होते हैं, है ना। लेकिन आज के क्वेश्चन में पूछा गया था कि बल्ब सीरीज में जुड़े हैं, मैं बताऊं, है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बोर्ड में थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनी है, तो कृपया राइटिंग नीचे ये कमेंट न छोड़ देना कि सर राइटिंग नहीं है। राइटिंग को छोड़िए, कॉन्सेप्ट सबसे धासु मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। सीरीज में कैसे बताना है, समांतर में कैसे बताना है, आप सुनो। मान लीजिए मेरे पास दो बल्ब है, पहला और दूसरा, और दोनों की पावर, यानी पहले वाले की पावर तुम्हें दी रही है 30 वाट और देखिए दूसरे बल्ब की पावर दी रही है 50 वाट। पहले आप सीरीज और समांतर को तो भूल ही जाओ, पहले आप ये याद रखो, जब भी कभी किसी बल्ब बल्ब की डिजाइन होती है ना, वो समान वोल्टेज ली होती है। समान वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला लगाना है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R। मैंने ऐसा ही क्यों फॉर्मूला लगाया, मैंने इसलिए लगाया ऐसा क्योंकि बल्ब की डिजाइन 220 वोल्ट की होनी है, अलग अलग बल्बों की, तो अलग अलग बल्बों की डिजाइन 220 वोल्ट यानी सेम वोल्टेज की होनी है, परंतु उनके रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है किसी भी बल्ब की, वो 1/R के समानुपाती होती है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। बहुत ध्यान सुना, जिसकी पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम। तो पावर में अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं कि पावर में बताइए क्या आप कहना चाहोगे, तो मैं कहूंगा कि पावर P2 जो है वो P1 से ज्यादा है। देख लो, अगर पावर P2 ज्यादा है तो कंफर्म रेजिस्टेंस में मैं कहूंगा कि P2 ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है और R2 कम है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, सबसे पहले ये पॉइंट। अब बल्ब को आपने जोड़ा है पहले सीरीज में। अब बच्चा सीरीज में क्या होता है, तो कहना सीरीज में धारा समान होती है, यानी I कांस्टेंट होता है। और समांतर में क्या होता है, सर समांतर में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो आप पहले यह बात समझो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जिसकी पावर ज्यादा हमेशा वही बल्ब ज्यादा चमकेगा, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो होता क्या है ना, ये जो पावर होती है मैक्सिमम पावर है, आप दिन में 100 किलोवाट पावर दे सकते हो या एक घंटे में 100 किलोवाट पावर दे सकते हो, यह एक अलग बात है, और आप कितना दे पा रहे हो यह दूसरी बात है। बात समझे ना, तो पावर मैक्सिमम होना और पावर आप कितनी दे पा रहे, दोनों अलग अलग बातें। पहले आप यह समझ लो कि पावर रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, P2 ज्यादा है P1 कम है, इसलिए रेजिस्टेंस में R1 ज्यादा R2 कम। अब देखो, अगर सीरीज में जुड़े हैं दैट मीन धारा कांस्टेंट है, तो फिर आप ऐसा कह सकते हो कि P बराबर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा I² × R। ये मैंने यही क्यों लगाया, सर मैंने इसलिए ऐसा लगाया क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे पता चल चुका है और धारा समान होती है हमारे सीरीज में। तो आप देखिए यहां से साफ साफ पता चल रहा है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो बल्ब ज्यादा पावर के साथ चमकेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो बल्ब ज्यादा पावर के साथ चमकेगा, लेकिन कब, जब सीरीज में जोड़ा जाएगा, है ना। अब ये बताइए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, तो रेजिस्टेंस देख लीजिए R1 का ज्यादा। अगर R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कन्फर्म P1 बल्ब, भाई R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वही पावर के साथ चमकेगा। तो कौन ज्यादा चमकेगा, तो कह देना P1 बल्ब ज्यादा चमकेगा, P1 वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, और P1 मतलब 30 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीरीज में क्या होता है कि जब सीरीज में हम लोग बल्ब को जोड़ते हैं तो जिसकी पावर कम होती है वो बल्ब ज्यादा चमकता है। अब देखो समांतर में जोड़े, तो जब समांतर में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है, बस आपको पता है। अगर मेरे भाई वोल्टेज समान है तो वही सेम फॉर्मूला P = V² / R देख लीजिए। अब सवाल यहां से फिट बैठा कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो कम पावर के साथ चमकेगा, या फिर मैं उल्टा कर लेता हूं, इसका उल्टा कर लेता हूं, अर्थात जिसका रेजिस्टेंस कम वो पावर ज्यादा अर्थात ज्यादा चमकेगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, तो कहना रेजिस्टेंस कम है R2 का, देख लो रेजिस्टेंस कम है R2 अर्थात P2 वाला ज्यादा चमकेगा, रेजिस्टेंस कम ज्यादा पावर के साथ चमकेगा। तो इसमें कौन चमकेगा, सर P2 चमकेगा, और यहां पर P2 का जो मतलब है सर वो है 50 वॉट। ओके,
तो अल्टीमेट ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि दोनों बल्बों में कौन ज्यादा चमकेगा, तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है दोस्त मेरे कि अगर सीरीज में जुड़े हैं दोनों बल्ब, दोनों टायर 10 15 20 चाहे जितने बल्ब हो, अगर वो सीरीज में जुड़े हैं तो कम वाट वाला ज्यादा चमकता है, अगर वो समांतर में जुड़े हैं तो ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, चौथी फेज की शुरुआत हुई और चौथी फेज की शुरुआत में ही 20 सितंबर को शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ के बैठिए। धन्यवाद।